आरबीएल बैंक को देख लेते हैं। आज इस स्टॉक में कमजोरी छाई रही, 10% की गिरावट शुरुआती ट्रेड्स में दिखी और अब आप देखिए 20% की कमजोरी देखने को मिली। मैनेजमेंट में बदलाव की खबर आई और इस खबर को बाजार डाइजेस्ट नहीं कर पाया। आरबीएल बैंक में नए सीईओ की नियुक्ति के बाद शेयर में जो इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, इतनी बड़ी कमजोरी देखने को मिली, इस पर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने वरिष्ठ पत्रकार और लेखक तमल बंदोपाध्याय से खास बातचीत की इन्वेस्टर कंसर्न्स को लेकर। आइए सुनते हैं। हमारे साथ एक ऐसे शख्स जो इंडिया में, हमारे साथ तमल बंदोपाध्याय सर हैं। तमल दा, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे बात करने के लिए। सबसे पहले आप ये बताएं कि जो कंसर्न्स लोगों के मन में हैं आरबीएल बैंक को लेके, कि शायद अंदर की स्थिति कुछ खराब ज्यादा है और तभी ये चेंज आया, आपको क्या लगता है और आप क्या कहेंगे उनको? ना अजय जी, दैट मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक एडिशनल डायरेक्टर को उनका बोर्ड में बैठाया एंड प्रोटेस्टिंग दैट आहूजा साहब 6 महीने पहले छुट्टी में चला गया, बिकॉज आहूजा साहब को एक साल का ओनली एक्सटेंशन दिया गया, टर्म दिया गया था। आहूजा साल का उम्मीद था फिर 3 साल उनको मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरा बैंक, मैं उसका नाम नहीं करना चाहता हूँ, पब्लिक प्राइवेट बैंक में उनको भी 1 साल दिया गया था, उसके बाद 3 साल फिर दिया गया। सो आहूजा साहब का मन में यही था, आहूजा साहब ये बैंक बनाया, रत्नाकर बैंक से ये नया बैंक बनाया, तो गुस्से में वो चला गया। बट दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली दैट शोज दैट आरबीआई का कॉन्फिडेंस नहीं है इस बोर्ड में, नहीं तो एडिशनल डायरेक्टर नहीं आता था। आज का दिन में जो आप बोल रहे हैं क्या हो रहा है, इफ यू लुक एट द नंबर्स, I don't think there is any reason for any anxiety for the depositors. अब देखिए, yes, RBL bank सिर्फ एक ही बैंक है इंडिया का, इंडिया बैंक की entire banking industry में fiscal 2022 में loss किया 74.74 crore loss किया, बाकी सब bank, this is the best golden year of or whatever you call it, best year of Indian banking ever since you have seen that. RBL ने लॉस किया, बट इफ यू सी द ऑल द अदर पैरामीटर्स, अभी देखिए एनपीए, नेट एनपीए 1.34, ग्रोस एनपीए 4.47। ओके, तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार तमल बंदोपाध्याय, जिनसे अजय ने खास बातचीत की। और अजय, आरबीएल बैंक में जिनके पैसे लगे हैं, क्या डरने की जरूरत है? लेने के लिए भी बच्चा क्या है। ये देखिए कि 5 साल में देखिए ये 750 रुपए का भाव हुआ करता था और ये 85% करीब करीब गिरा। डॉक्टर साहब, जरा 5 साल का ग्राफ लेके आइए। और जो सबसे बड़ा डर क्या आया बाजार में, जब नाम आया आहूजा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिला वो ठीक है, लेकिन जो नाम आया वो DHFL के फॉर्मर लिक्विडेटर का नाम है, तो लोग थोड़ा घबरा गए, कहीं इस तरह का माहौल तो नहीं बन रहा है अंदर। हालांकि देखिए 83% 5 साल में नेगेटिव हो चुका है, फिर भी लूज करने के लिए 100 रुपए थे टेबल पे अभी, तो लोग घबराए उसको। और उन्होंने, हमने उनसे भी ये बात पूछी थी, जिन्हें MD CEO आए हैं उसे सुब्रमण्यम, उन्होंने जवाब दिया ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तमल साहब ने भी यही बोला कि अगर आप लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखिए, जितना डेटा ऑन द टेबल है उसको देख के तो यही है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना था परेशान की रन ऑन द बैंक हो जाएगा, कासा स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार जो है वो उस बात को एकदम मान नहीं रहा है। खैर, आज का बाजार खराब भी है, लेकिन 20% इस समय डाउन है। चार्ट पे कुछ चार्ट पे देखने जैसा है क्या इसमें? Only if you drag this back 5 years, because 100 के आसपास उस स्टॉक में तब एक बाउंस देखा गया था, उस लेवल से एक बाउंस देखा गया था, आज तो वो भी नहीं सस्टेन कर पाया है। एंड जब हम बैंकिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस की बात करते हैं, वी नो देर आर अ लॉट ऑफ अदर क्वालिटी नेम्स आउट देयर, तो जब ये कंपेरिजन में आ जाते हैं ऐसे नाम, तो आप इसकी तरफ नहीं ही देखेंगे। और अगर इंडिपेंडेंटली भी इसे देखें तो जैसा आप सही बता रहे हैं कि बहुत ही बड़ा वेल्थ डिस्ट्रक्टर रहा है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। इनफैक्ट तो 100 के नीचे तो बहुत ही और वीक हो रहा है। अगर हम इसमें एक लेवल ढूंढने भी जाएं तो भी अराउंड 82-83 के जो जोन्स हैं, यहां पे एक सपोर्ट बन रहा है, बट आई एम नॉट श्योर हाउ स्ट्रॉन्ग दैट विल बी गिवन हाउ फेरोशियस द फॉल इज करंटली। ऑलराइट, तो क्लियरली ये राय मिलती हुई दिख रही है। आरबीएल बैंक, आपको बता दे, कंपनी के मैनेजमेंट से, नए मैनेजमेंट से, मिस्टर सुब्रमण्यम और साथ ही जो मैनेजमेंट MD और CEO अब नहीं रहे, मिस्टर आहूजा से भी, दोनों से सबसे पहले बात ईटी नाउ स्वदेश ने आज सुबह की थी, और वो बात हमने आपको सुबह 8 से 10 बजे में सुनाई थी। और किस तरह से पूरा मामला जो है वो पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, इसका असर क्या दिख सकता है, ये भी विस्तार से मैनेजमेंट से सुनकर हमने आपको बताया था। लेकिन चलिए आगे बढ़ते,
करते हैं और कुछ और कॉल समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी, मार्केट सेंटिमेंट कमजोर है, ऐसे में शॉर्ट कॉल्स ही ऑफकोर्स बनते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट आपको प्रेशर भी नहीं करेंगे अगर आप कॉल्स ना देना चाहें, लेकिन किस तरह की कॉल्स यहाँ पर, ट्रेडिंग पिक्स क्या कोई बन रही है? मानसी जी देखिए,